एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी आफ्टरनून की टाइम हो रही है, तो मैं जा रही थी अभी अपना फेशियल करने, क्योंकि मैं घर से आई थी। तो मैं अभी अपने आप को थोड़ा सा मतलब अच्छे से होममेड चीजों से फेशियल नहीं की थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं फेशियल जब कर ही रही हूँ तो आप लोग को वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। आप लोग को पहले मैंने बताया भी था कि मैं बाहर की क्रीम को थोड़ा रेफर कम करती हूँ, होममेड चीजों को अपने चेहरे पे लगाना ज्यादा रेफर करती हूँ। तो ऐसा देखो, मैं अपने भाई के शादी में मैंने यहाँ तक ना ही मैंने कोई फेशियल की मतलब बाहर की क्रीमों से, या ना ही मैं कोई पार्लर गई। घर में ही जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी बादाम वाली, मैंने फेशियल की थी, उसी से मेरा शादी भी निपट गया। तो अभी मैं आई हूँ तो सोचे कि चलो थोड़ा सा अपने चेहरे पे ध्यान दे देती हूँ। फिर मतलब अभी टाइम आगे मिलेंगे नहीं, इस वजह से मैं सोची जो ही टाइम मिल रहा है मैं अपने आप को थोड़ी दे देती हूँ। तो अभी मैं ऐसे वीकली मैं थर्सडे साबुन नहीं लगाती, ना ही अपने फेस में फेस वॉश लगाती हूँ। तो उस दिन तो मैं कुछ ना कुछ पैक लगाती हूँ, बट उस दिन कोई फेस पैक लगाती हूँ, कोई मतलब उससे कोई फेशियल या कुछ रब मसाज वगैरह नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं सोच रही थी चलो अपने चेहरे पे थोड़ी सी ध्यान दे देती हूँ। तो अभी देखो मैंने अभी कुछ नहीं लगाए हैं, बस अभी मैंने मॉर्निंग में जो सन लोशन लगाए थे बस वही है। तो आप लोग देख सकते हो मैं अभी कुछ नहीं की है, ये देखो मैं आपको। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि काफी टाइम हो गए सन लोशन लगाए हुए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने चेहरे को क्लीन कर लेती हूँ। तो फेस वॉश नहीं करूंगी क्योंकि अभी घर में ही हूँ, तो अभी कुछ वैसा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपने चेहरे को, मैं कहीं से पार्टी मेकअप भी करके जैसे जाती हूँ तो अगर रिटर्निंग में आती हूँ तो मैं ज्यादा कुछ जैसे अगर मन नहीं हुआ फेस क्लीन करने का, वॉश करने का, फेस वॉश करने का, तो मैं सबसे अच्छा ये तरीका अपनाती हूँ। एक कॉटन ले लेती हूँ और अपने चेहरे को एलोवेरा जेल से क्लीन कर लेती हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है, तो कभी मन ना करे तो मैं इसी चीज से क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी आप देखोगे मेरे चेहरे से बिल्कुल भी कोई क्रीम वगैरह नहीं निकलेगी, मैं बस सन लोशन लगाई थी बस यही है। तो मैं अभी आपके सामने ही देखो क्लीन कर लेती हूँ अपने चेहरे को। ये देखो मैं अपने चेहरे को क्लीन कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं होममेड चीजों से ही मैं अपने चेहरे पे देखो फेशियल करूंगी। देख सकते हो आप कुछ भी नहीं निकले हैं, क्योंकि मैं ओनली सन लोशन ही लगाई थी तो ज्यादा कुछ नहीं था मेरे चेहरे में। तो आपके सामने ही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये चीजें हो गई और मैं यहाँ पे ओनली दही में तीन चीजें मिलाऊंगी जो कि मैं ये अपने चेहरे पे यूज करती हूँ, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने पहले लिए हैं 1.5 से 2 चम्मच मतलब छोटे स्पून से मैंने दही लिए हैं, तो मतलब होममेड है, सबके घर में दही होते हैं। मैं ऐसी चीजें से ही फेशियल हमेशा करना आपको बताऊंगी जो आपके घर में अवेलेबल रहे। ये सबसे पहला मेरा दही हो गया, ये ऑलिव ऑयल हो गए या बादाम ऑयल हो गए या जो भी आप ऑयल लगाते हो, या तो घर सबके घर में मतलब कोकोनट ऑयल रहते होंगे तो वो ऑयल हो गए। यहाँ पे सबसे मेन चीज है चीनी, मतलब चीनी को पिसा हुआ जो बोलते हैं, मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे भूरा जिसको बोलते हैं, तो वो मैं यहाँ पे चीनी पिसा हुआ ले रही हूँ, आधा स्पून मतलब बोल सकते हो। और यहाँ तीसरी चीज है मेरी ये बेसन, मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ क्योंकि मसूर दाल यहाँ पे लगाओगे आप इसमें डाल के तो वो ज्यादा फायदा करेगा, बट मेरे स्किन को मतलब शादी से पहले भी मैं मसूर की दाल लगाती थी मतलब उसका पाउडर बना के, तो वो मेरे चेहरे में थोड़े से इचिंग हो जाते हैं, इस वजह से मैं मसूर दाल की पाउडर नहीं लगाती हूँ। आप यहाँ पे मसूर दाल की पाउडर भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप बेसन भी नहीं है तो आप यहाँ पे कॉफी पाउडर डाल सकते हो। तो इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये देखो बेसन है, ये बूरा है जिसको चीनी पाउडर बोल सकते हैं, और यहाँ पे ऑयल है। आप यहाँ पे ऑयल अगर आप नहीं है तो आप जैसे कोई भी कोकोनट ऑयल, अगर उससे भी बेटर आप करना चाहो
तो विटामिन ए की कैप्सूल डाल सकते हो, बट मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं बाहर की चीजें बिल्कुल भी रेफर नहीं करती, मैं घर में जो भी चीजें है उसी से मैं मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी। अब इन सब चीजों को मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से, और यकीन मानो इस चीज को आप हफ्ते में मतलब 2 से 3 बार लगा सकते हो, आपको खुद ही चेहरे में आपको मतलब फायदा नजर आएगा। अगर आप 30 से 40 के एज में आ गए तो खुद आप देखोगे हफ्ते या 15 दिन लगा के आप खुद 20-25 के एज में लगोगे, यकीन मानो। मतलब ये सब चीजें मतलब खराब तो नहीं होती, और ये जो है मतलब चीनी हो गई, दही हो गई, ये स्क्रब का काम करता है। जैसे हम स्क्रब करते हैं तो अपने चेहरे को अच्छा सा टाइट स्किन देते हैं, उसी तरह ये चीनी भी आपको एक स्क्रब का ही मतलब टूनिंग देगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे चीनी ली है, और इसको लगा के जैसे आपके चेहरे थोड़े से डल हो गए हैं, थोड़े से डार्कनेस हो गए, जैसे अभी आप वहां तो अभी जैसे आपके घर साइड मतलब सबके जो भी हैं अभी जो मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, कुछ लोग यहाँ के हैं, कुछ लोग उधर के हैं, तो उधर साइड जैसे अभी ठंड का मौसम है तो थोड़ा सा धूप में बैठने से चेहरा थोड़ा सा डल हो जाता है। तो आप इस पैक को या मतलब फेशियल को आप घर में 2 से 3 बार हफ्ते में कर लो तो यकीन मानो आपको खुद फायदा नजर आएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक बार ये ट्राई करोगे तो निराश नहीं होगे, एक बार जरूर ट्राई करना। तो मैं देखो इसी तरह हफ्ते में 2 से 3 बार कर लेती हूँ, बट अब मैं अभी घर से आई थी तो बिल्कुल भी ये सब चीज नहीं कर पाई थी, वल्ली मैं वीक में थर्सडे को एक कोई फेस पैक लगा लेती हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ थर्सडे को, तो वल्ली वो पैक लगा लेती हूँ, तो उसमें कुछ ज्यादा मसाज नहीं करती हूँ, सुबह का टाइम नहीं मिलता है, बट मैं सोची कि चलो अभी कर लेती हूँ तो आप लोग से भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखो ये हो गए रेडी, अभी मैं आपको सामने ही सारा चीज करके दिखा रही हूँ। ये देखो ये सारे मिक्सअप को अपने हाथों की सहायता से पूरे फेस में एक मोटे लेप की तरह लगा लेनी है, पहले पूरे फेस में, आप आईज पे भी लगा सकते हो और नेक पे नहीं भूलनी है। मैं नेक पे थोड़े से ही लगा रही हूँ क्योंकि मैं मतलब नहा चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा अपने मतलब मैं फिर से गंदे नहीं होना चाहती, अदरवाइज आप नहाने के पहले लगाओ तो पूरे नेक पे भी लगा सकते हो क्योंकि अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से देखो मैं पूरे अच्छे से फेस में लगा ली हूँ, और दोनों हाथ में थोड़ी सी इस तरह से लेके थोड़ी थोड़ी और मसाज के तौर पे करनी है, जैसे फेशियल का मसाज स्टेप होता है उस तरह से पूरे राउंड राउंड इस तरह से करनी है, क्योंकि हमारे फेस में जहाँ पे जैसे डार्कनेस रहती है तो वहाँ पे अच्छे से हल्के हल्के हाथों से रब करनी है। खासकर विंटर के टाइम में हमारा नोज पे ब्लैक हेंड्स हो जाता है, तो ब्लैक हेंड्स हो जाती है तो इस तरह से हमें रब करनी है, क्योंकि इसमें चीनी है तो चीनी एक स्क्रब का काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस तरह से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मतलब मसाज कर लेनी है। अगर आपको मसाज करने नहीं भी आती हो तो आप इस तरह से राउंड राउंड शेप में हल्के हल्के मसाज कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसमें आप अच्छी खासी टाइम दे सकते हो, मैंने 5 से 7 मिनट तक इस तरह से मैंने मसाज की, और जब पानी से आप उसे मतलब एक हैंकी पानी में गीला करके आप उसे पोछोगे तभी आपको रिजल्ट आपको खुद पे खुद आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि दही और चीनी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके चेहरे को मतलब टोनिंग देगी, जैसे बॉन्डिंग अच्छी चीज़ होती है ना, ब्लैक हैंड्स या ब्लैकनेस जो डार्कनेस ये सब चीज़ हो जाती है, तो दही की सहायता से हमारा काफ़ी ये धूप में जो चेहरे डल हो जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक उसको दूर कर देता है। तो इस वजह से ये मसाज काफ़ी हद तक ये सब चीज़ को हटा देता है। तो बस हो गई मेरी मसाज करने का, अब मैं हैंकी गीला करके आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखो आप खुद ही देख सकते हो, आप जैसी मैंने पोछे हैं कुछ भी नहीं है, आप खुद ही देखोगे चेहरे काफ़ी वाइट वाइट सा लगने लगता है, तो आप खुद ही रिजल्ट देख लो। देखो मैंने सिर्फ हैंकी से मतलब गीला करके मैंने पोछ लिए हैं, और ये देखो आप खुद ही देख लो, मैंने अभी बस हैंकी से पोछे हैं, अभी मैंने कुछ नहीं ये किए हैं, जैसे थे वैसे मैंने फेशियल करके आपको मैं नेचुरल दिखा रही हूँ। ये देखो
अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो मैं दिखाती हूँ कॉटन से क्लीन करके। ये देखो कॉटन में कुछ नहीं है, ये देखो। नहीं है ना? तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, तो आप एक बार जरूर ये ट्राई करना। और खासकर अभी जो मतलब विंटर का सीजन चल रहा है, धूप में बैठ बैठ के थोड़े से चेहरे डल हो जाते हैं, डार्कनेस आ जाती है, खासकर यहाँ पे मतलब हम लोग जैसे फोरहेड में मतलब फेस वॉश लगाते हैं, तो खासकर यहाँ पे बहुत लोगों का आप देखोगे थोड़ी सी ब्लैकनेस हो जाती है यहाँ पे। तो आप इस तरह के हफ्ते में 2 से 3 बार आप कर सकते हो अगर टाइम मिले तो, ना से आप हफ्ते में 1 या 2 बार तो कर ही सकते हो। अगर कॉफी पाउडर वाले मैं कहती तो वो हफ्ते में 1 बार लगानी चाहिए, बट आप ये जो चीनी पाउडर वाले जो मैं बता रही हूँ, आप ये हफ्ते में 2 से 3 बार लगाओगे और आप रिजल्ट खुद ही अपने आप देखोगे। तो आप खुद ही कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। और इसके बाद मुझे अब कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस आपके सामने देखो, मैं ज्यादा रेफर करती हूँ ऑलिव ऑयल या तो एलोवेरा जेल, तो मैं लगाती हूँ पतंजलि का, तो मैं यहाँ आपको दिखा भी दे रही हूँ। तो ये देखो मैं बस थोड़ी सी ये पतंजलि का एलोवेरा जेल ही इतनी थोड़ी सी मैं लगा लूंगी और कुछ नहीं। बस आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी बस जाऊंगी, अभी बच्चे को मतलब मेरे बेटे की स्कूल से आने की टाइम हो रही है, तो मैं बस ऐसे ही इसको लेने चली जाऊंगी। तो मेरी ये देखो कितना अच्छा से मैं घर बैठे बैठे ही अपनी फेशियल कर ली और बिना पैसे खर्च किए मैं अपने, मेरे चेहरे भी चमक गए। और यकीन मानो अगर आप 40 के हो एज में, तो आप इस तरह से आप अपने घर में ही होममेड चीजों से आप घर में ही आप इस तरह से अपने फेशियल करोगे या अपने चेहरे पे ध्यान दोगे, तो आप खुद ही आप यकीन करो, आपको खुद लोग कहेंगे, यकीन करोगे कि हाँ मैं कम एज में दिखने लगी हूँ। तो इस तरह से आप ट्राई करना। आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आप लोग को मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मेरे इस पहले वाले वीडियो को बहुत अच्छे से प्यार दिया, इसी तरह मेरे आगे वाले वीडियो पे भी इसी तरह प्यार देते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।